नमस्कार। ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना की नेम प्लेट को लेकर विवाद की ताजा जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन ये विवाद काफी समय से चल रहा है। ये तो आपको पता ही है कि रालोद सपा गठबंधन की उम्मीदवार पालो देवी बुढ़ाना की प्रमुख बनी थी। वर्ष 2021 में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे और सूबे में ज्यादातर प्रमुख भाजपा उम्मीदवार ही बने थे। पालो देवी ने बहुत ही देवी को हराया था, जो पूर्व प्रमुख अजीत सिंह उर्फ बबलू की मां है। अजीत उर्फ बबलू की ओर से ही भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी और पिछले माह यानी कि जनवरी में शासन ने पालो देवी के वित्तीय अधिकार सीज किए थे। पालो देवी के बेटे पूर्व प्रमुख विनोद मलिक ने सीधे कहा था कि उन पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव था। भाजपा ज्वाइन न करने के कारण ही केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान ने कार्रवाई करवाई। शासन ने 3 BDC की एक समिति भी बनाई है, जिसे ब्लॉक में कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। हालांकि समिति में बहुत ही देवी शामिल नहीं है। 22 फरवरी को बुढ़ाना ब्लॉक कार्यालय में जो कुछ हुआ उसके पीछे पूर्व प्रमुख विनोद मलिक सीधे संजीव बालियान का हार बता रहे हैं। उनका नाम बहुत ही देवी है, उनका उस कमेटी में कोई नाम नहीं है, उससे जो है वो कमेटी से बाहर है, केवल वो क्षेत्र पंचायत की सदस्य है। जो भारत का संविधान कहता है उसी के अनुसार हम थाने पर आए, परंतु संविधान में जो हम रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं उसके अनुसार तो ये रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं अभी CO साहब, SDM साहब, क्योंकि ये संरक्षण दे रहे हैं। ये संरक्षण किसी एक मंत्री जो संजीव बालियान जी है, जो यहाँ के जिले के मंत्री हैं और सांसद भी है, उनके कारण जो है, उनके दबाव के कारण ये सब कुछ हो रहा है। ये पहले से लगातार उन्हीं का देन है, जो आज ये इतनी गुंडागर्दी अगर इस ब्लॉक के अंदर हो रही है, अधिकार सीज हुए, सब उन्हीं की देन है। आपसे अपील है, हमारा अनुरोध भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हमें किन मुद्दों पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।